हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं खुश हैं मज़े में अल्लाह आप लोगों को खुशी रखें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द प्लेप दें ये और अभी जो है वो मैं शाम का टाइम है तकरीबन कोई चार बार जुड़े दिन का टाइम है सॉरी और कोई चार बार जुड़ा रयान यहाँ पर बैठ कर ना बिस्किट खा रहा है मुँह में चला जाएगा फिर पता तो चलेगा तुझे हाय बोलो हाय रान इतना ज़्यादा बड़ा बिस्किट आपने मुंह में डाल दिया मेरा बेटा अगर फंस जाएगा तो ममा किधर जाएगी हैं बताओ और यहाँ पे जो रयान है वो बैठ के बिस्किट खा रहा है और मैं बैठ के खाने लगी थी खाना तो चलने चलते हैं खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बैठ के मैं खाना इंजॉय करनी थी खाने में चीज़ी चावल मटर और सैलेड वग़ैरह सैलेड खाना हो तो मुझे बिल्कुल चावल खाने का मज़ा नहीं आता और यहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे लेट्स गो जो हमारी चाय है वो बिल्कुल रेडी स्टेडी हो चुकी है वैसे तो मैं चाय नहीं पीती लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे चावल खाने होते हैं, चावल खाते हैं उसके बाद मेरा चाय पीने का बहुत दिल करता है यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है गर्मा गर्म चाय तो अब बैठ के इंजॉय करेंगे चाय हाँ जी चाय वगैरह जो है वो मैंने पी ली थी और चाय पीने का अभी मैंने सोचा कि फारिक बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है क्यों ना आज मैं अपने वार्ड्रॉप की सफ़ाई कर लूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ था यार एक कपड़ा निकालो सात सौ कपड़ा गिरता था और मैंने सोचा आज मैं सारे जो अपने कपड़े हैं उनको तय करके रख देती हूँ और जब मुझे कहीं जाना होना है तो यार मैं कहती हूँ यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं और बात फिर वही आ जाती है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और रखने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे पहले मैंने अपने वार्ड्रोप का एक खाना जो है उसके कपड़े तय किए फिर मैं दूसरे की तय कर रही थी इस कदर जो है वो खलबली मच्छी की जितना मेरे वार्ड्रोप में कि मुझे समझ नहीं आ रही थी यार कि मेरी शर्ट कहाँ है मेरा ट्राउज़र कहाँ है मेरा दुपट्टा कहाँ है तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं ये वाला काम करती हूँ डीप क्लिनिंग जो है वो करती हूँ अपने वार्ड्रोप की और यहाँ पर मेरा वॉड्रोप जहाँ जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए थे डन और उसके बाद जी मैं यहाँ मोहम्मद को रेडी कर रही थी और मोहम्मद साहब को रेडी करना यार बहुत मुश्किल काम है वो मैं इसको रेडी इसलिए रही थी क्योंकि मैं इसको लेके जा रही थी बाहर क्योंकि बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था हवा बड़ी अच्छी चल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मोहम्मद को जब मोबाइल लेके जाती हूँ थोड़ी हवा वगैरह इसको लगवाती हूँ थोड़ा सा घूम फिर लेगा और यहाँ पर वो कदर रो रहा था यार, कि कि ना यार मैं उसके इतना कोई बहुत बड़ा जुर्मज्याती कर लूँ यार बच्चों को कपड़े पहनाना बिना आई थिंक माओ के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है और माए खैर हर टास्क की जो है वो अलहमदिल्ला कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे जो है वो मैंने उसको बिल्कुल रेडी स्टेडी करके खाना वगैरह में उसको खिला चुकी थी अब हम इसको लेके चलते हैं बाहर और यहाँ पर मैं इसको लेकर बाहर आ गई थी यार बाहर इतना कमाल का इस्लामाबाद का वैदर होने तरी प्यारी हवा चल रही थी और बारिश जो थी वो बस लगने नहीं वाली थी और आई थिंक हल्की हल्की बूंदाबांदी जो थी वो जारी थी लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको बाहर लेके कोई गली में जो है वो बच्चे मैच खेल रहे थे खैर आज का ब्लॉग आज की बिल्कुल यहीं तक थी आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें चेक इन बाय बाय